श्रीमद्भागवत महापुराण अथ त्रयोदशो अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूतवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनोगतिं ज्ञात्वा गांधास्तिन पुरं तया वाप्त विविदसितः। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। यावत कृतवान प्रश्नान छता छत्ता कौसार वागृत जातक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोप राम है। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युधिष्ठिरश्च सूतः सारदूतः पृथा। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मान सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डुर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। प्रत्युच्चग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंगाभिवादनैः। मुमुचुः प्रेमवाष्पौघं विरहोत्कण्ठे कातराः राजा तमर हयांचक्रे कृतासन परिग्रहम्। सौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर उनके चारों भाई धृतराष्ट्र युधिष्ठिर संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्राणामादिक के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतमासीनम सुखमासने प्रसयावंतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर उवाच अपि अस्मरथ नो युष्मत्पच्छाया समेधितान विपत्कड़ा दुसाग्नया देर्मोचिता यत समात्रिका। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर्म कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? कया वृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि
सेवितानी भूतले। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्त से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः अस्थेन गदाभृता। प्रभो, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अपिनः सुहृदस्तात् बांधवा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता वा यदवह स्वपुरयाम सुखमासते। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो हैं ना। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् संवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो बिना यदकुलक्षयम्। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। नन्नु प्रियं दुर्विषम निराम स्वयं उपस्थितं नावेदयत स करुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमः। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। कंचित्काल मथावासीत् सत्कृतो देवत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृतस् सर्वेषां प्रीतिमावहन्। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। अभिभ्रदर यमादंडम यथावद घकारिषु यावद्धार शूद्रत्वम सापाद्वर्षसतम यमः। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। देखिए, यहाँ पे एक श्राप की बात की गई है, उसके बारे में दिया गया है। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राज आज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि ये महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा, मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला? यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा,
उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव जी के इस श्राप से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातभिर् लोकपाला भैर मुमुदे परयाश्रिया। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। एवं गृहे सुसक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्राम क्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता।